अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं आपका मेज़बान राना शकील और आप देख रहे हैं स्वीट गप शप चैनल। तो इस वक्त मौजूद है हम मेगा मॉल में शेखपुरा में। तो पूछते हैं इनसे ये क्रॉकरी का सामान के मतलब इनका क्या रेट है और इनकी क्वालिटी कैसी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक सर। जी हमें बताइए। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बताइए कि ये क्रॉकरी का सामान जो है ये ब्रांडेड है या फिर नॉन ब्रांडेड है या ये लोकल है, और इनकी क्वालिटी के रिलेटेड आपने हमें मेंशन करना है और दूसरा इनकी प्राइस के मतलब है। जी जी, मैं आपको इस कैटेगरी के मतलब जो इधर डील करते हैं मैं उनसे आपको मिलवाता हूँ, तो आइए मैं उनसे आपकी बात करवा। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कैसे हैं आप? जी आपका नाम? मलिक आबिद। मलिक आबिद, मलिक साहब हमें ये बताइए कि आप यहाँ पे इस पोर्शन को आपने संभाला हुआ है, तो इसमें सामान कैसी क्वालिटी का पड़ा है? हमारे पास हर किस्म की क्वालिटी का है, जिस तरह की कस्टमर की डिमांड होती है उस तरह की हमारे पास चीज़ है। जी जी, तो हमें थोड़ा सा मेंटेन कर दें हमारे व्यूवर्स को, ताकि उनको भी पता लग सके कि इसमें कौन कौन सी कैटेगरी का सामान पड़ा हुआ है, क्या क्या प्राइस है, मेंशन कर दें और इनकी क्वालिटी। हमारे पास हर किस्म की डिनर सेट है, जैसे ये बोन चैना के हैं। जी जी ठीक है, मार्बल में है। जी जी ठीक है, जिस तरह के आपको जहेज में भी चाहिए चीज़ें वो सारी हमारे पास दस्तियाब है। अच्छा जी, हाँ जी। तो इनकी प्राइस? प्राइस हमारी मार्केट से ये बहुत सा सेट लगा हुआ ना, मार्केट में आपको मिलेगा 27,000 का, 28,000 का, हमारे पास 24,500 का है। जी जी क्या बात है, ये मार्केट में इसकी प्राइस जो है वो 27-28,000 है, लेकिन इनके पास जो ये प्राइस है ये 24,000 रुपये है प्राइस है इनकी। तो इनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी माशाल्लाह हम देख के लेके आते हैं, दोनों से अच्छी क्वालिटी होती है वही लेके आते हैं। तो इनका वेट जो है इसका 200 बाउंड चैना होता है, इसका वजन 200 चीनी होती है उससे कम होता है। जी जी, 200 क्या नाम है चीनी होती है उसका वजन ज़्यादा होता है, यानी कि टोटल लाइट वेट। हाँ जी, टोटल लाइट वेट वजन होगा। अच्छा इसका जी, बिल्कुल, यानी कि ये यूजिंग में कैसा है कि ख़राब होगा इसमें दाग डब्बे जैसे कि? नहीं, ये नहीं ख़राब होता। जी जी, ये बिल्कुल नहीं ख़राब होता है, जैसे मर्ज़ी आप जितनी मर्ज़ी हीटअप भी हो जाए चीज़ ये ख़राब नहीं होगा। जी जी, इसके बाद हम आपके पास कौन कौन सी चीज़ें हैं और वो भी हमें बताएं, ये चैनिक वगैरह नीचे पड़ी हुई हैं, अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके जूम करके। सबसे ऊपर दोनों से लगे हुए डिनर सेट लगे हुए। जी जी ठीक है, हमारे पास दोनों सा डिनर सेट है, तकरीबन कह लो कि ये चीनी मार्बल में तकरीबन शुरू हो जाता है, 15-16,000 से शुरू होता है, तकरीबन हमारे पास 80,000 का भी हमारे पास डिनर सेट हमारे पर मौजूद है इस टाइम मौजूद है। जी इनका कहना है कि जो मार्केट से प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इनके पास जो है काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें जो है अवेलेबल है। मेंशन कर दें कि इनके रेट क्या है और इनकी क्वालिटी क्या है। सर इनकी क्वालिटी बिल्कुल नंबर वन है, कोई भी आके हर चीज़ चेक करके ले जा सकता है। और जैसा कि आपको बताया पूरी वीडियो में, पहले भी पार्ट में बता चुके हैं आपको कि चीज़ों के रेट अपडेट होते रहते हैं। अगर ये चीज़ लगी है ना, मैं आपने अभी आपको ये आबा साहब हैं जो इन्होंने बताई है कि ये चीज़ 24,500 में लगी हुई है, लेकिन यही चीज़ अगर ये आज ही शाम को बिक जाए तो हमारे पास वन पीस ही पड़ा हो, तो नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मतलब सॉरी नेक्स्ट वीक में हम न्यू लेके आएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा आई थिंक। तो ये चीज़ मैं आपको मेंशन कर दूं कि हर चीज़ की प्राइस फिक्सेस हैं, लेकिन जब तक मार्केट में फिक्सेस हैं तब तक, लेकिन जब इसकी प्राइस बढ़ जाएगी तो काइंडली हमें भी प्राइस बढ़ानी पड़ेगी, चाहे 500 चाहे 1,000, वो हर चीज़ के मेयार के हिसाब से और हर चीज़ की क्वालिटी के हिसाब से। इनका कहना है कि रेट जो है वो अपडेट होते रहते हैं, तो अगर इनकी प्राइस जो है वो अपडेट होती है तो साथ ही ये टैग वगैरह उसको अटैच कर देंगे, ताकि जो कस्टमर है वो डिस्टर्ब ना हो, ताकि उनको पता हो कि इनके जो रेट हैं वो अपडेट हो चुके हैं। तो इनकी क्वालिटी कैसी है और इनका वेट कैसा है? क्वालिटी इनकी माशाल्लाह से हम आपको पहले बता चुके हैं कि एक नंबर चीज़ है, कोई भी चीज़ है हमारे पास क्रॉकरी की है, लेकिन दिखने में कितनी खूबसूरत ये चीज़ें लग रही हैं। जी जी, और रेट्स वगैरह हम आपको बता चुके हैं, ये एक नॉर्मली चीज़ें हैं, मतलब के ज़्यादा लोग दहेज में अपनी बेटियों को या मतलब के बहुओं को ये चीज़ें देते हैं। जी जी, तो ये चीज़ हमारे पास जेजर का सामान भी काफ़ी लोग ले कर परचेज़ करके जाते हैं, क्योंकि वो हम उनको बिल्कुल मतलब के अच्छी प्राइस में सामान मिल जाता है, तो इस वजह से हमारे पास माशाल्लाह से बहुत कस्टमर है हमारा। जी जी, तो काइंडली आप भी आए और विजिट करें। जो नीचे देख रहे हैं हम ये काफ़ी अच्छी यानी कि चैनक वगैरह कैप वगैरह लगे हुए हैं, तो ये इनकी क्वालिटी और इनका वेट? इनकी क्वालिटी ये बिल्कुल नॉर्मली वेट में होते हैं, क्वालिटी आपको बताएंगे कि जैसे मार्केट में होती है उससे अच्छी ही होगी हर चीज़ की, और रेट भी बिल्कुल मुनासिब मिलेंगे आपको। जी जी, देख सकते हैं आप के क्वालिटी के लिहाज से भी देख सकते हैं और खूबसूरती के लिहाज से भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सामान है इनके पास क्रॉकरी का। तो इसके बाद हम देख रहे हैं कि ये कुछ
किचन एसेसरी का सामान है, तो इसमें भी उम्मीद है कि ये क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी अच्छी हैं। इनके पास ये इनको क्या बोल सकते हैं जी? सर ये केक सांचे वगैरह बोल सकते हैं आप, और इसमें प्योर स्टील की जैसे कि चाय पोनी वगैरह या टोटल ब्रश नाइफ्स और कुछ चीज़ें जरूरत है ज़िंदगी की, काफ़ी चीज़ें जो जो प्योर है ना प्योर क्वालिटी में पड़ी हुई हैं हमारे पास, बिल्कुल अवेलेबल जी। आप देख सकते हैं क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ये देख सकते हैं कि ये इसकी प्राइस क्या होगी तकरीबन? चीज़ की प्राइस क्रॉकरी के मेंशन होती है ये आई थिंक 350 का है जी, और मार्केट में ये कम से कम 2 या 450 आई थिंक होगा जी। तो हमारा रेट मैक्सिमम 50 या 100 रुपीज़ कम ही होता है, क्योंकि हमारे पास स्टॉक में अगर कोई चीज़ लास्ट पे 2-4 पीस पुराने पड़े हैं तो हम वो उसी रेट में बेचेंगे, न्यू रेट हम नहीं लगाएंगे जी। तो देख सकते हैं मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो ऊपर काफ़ी ज़्यादा यानी कि इनके पास चीज़ें मौजूद हैं किचन एसेसरी की, तो क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी हैं, और स्टैंडर्ड जो हैं इनके पास काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी हुई हैं, और इनके पास सीज़र वगैरह और इस तरह का काफ़ी ज़्यादा सामान है। तो ये भी यानी कि मार्केट से रेट इनका कम होगा? जी जी, मार्केट से रेट इनका कम होता है, क्योंकि इस वजह से जैसा कि किसी बाज़ार में लगा लें लोगों ने रेडी पे सामान लगाया हुआ, लेकिन उसकी कोई वारंटी वगैरह नहीं होती जी। इस वजह से क्योंकि वो लोकल में सामान उठाते हैं लाट में से जी, जो मिल गया उन्होंने सस्ता भेज देना, लेकिन वो 2-4 दिन ही चलता है। इधर आप अगर एक चीज़ क्वालिटी की लेके जाएंगे तो आपको उस चीज़ की गारंटी देंगे ये आपस आप कि ये चीज़ ऐसे रिक्वायर्ड है और इसकी इतनी गारंटी है, जिस चीज़ की गारंटी है उस चीज़ की गारंटी आपस आप देंगे, जिस चीज़ की कंपनी नहीं गारंटी दे रही उस चीज़ की हम भी गारंटी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर किसी चीज़ की गारंटी नहीं है तो हम कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर सकते कि ये चीज़ अच्छी है ये है वो है, खराब भी हो जाती है ना जैसे उसकी हम गारंटी देते हैं कि वो चीज़ आप हमारा बिल संभाल लें वापस लें वो चेंज कर लें। इधर ये भी मौजूद है कि अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो वो कंपनी हमसे रिप्लेस लेती है, तो वो हमें बिल ला के दें हमारे से जो चीज़ परचेज की है मेंशन कर दें, चाहे हम उसको रिटर्न कर सकें और आपको नई चीज़ अवेलेबल कर सकें। ये क्या बात है, ये भी सहूलत इनके पास मैसर है। तो इसके बाद देख सकते हैं आप ये गिलास यानी वगैरह बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं, बहुत ही अच्छे डिज़ाइन हैं इनके पास है। तो हमें थोड़ा सा इनके रेट मेंशन कर दें जरा। रेट आई थिंक जो नोवा और दूसरी मतलब के कंपनीज हैं उसके रेट से बिल्कुल मुनासिब रेट में है मार्केट से, और जो ये वाइन के इंपोर्टेड ग्लास हैं ये टोटल लगे हुए हैं, इनके रेट थोड़ा सा एक्सपेंसिव होंगे क्योंकि जो चीज़ जैसी अच्छी दिखने में क्वालिटी में अच्छी होगी उसका रेट थोड़ा सा हाई होगा जी जी। तो बाकी मार्केट से रेट हमारे बिल्कुल ये आई थिंक 50 हैं ना, ये नोवा के ग्लास आपको नज़र आ रहे हैं मार्केट में जाएंगे आपको मिलेंगे 450 के 6, हम दे रहे हैं 370 रुपये के 6। क्या बात है। और टोयो के ग्लास हैं वो मार्केट में आपको मिलेंगे 350 के 6, हम आपको देंगे 290 रुपये के 6। 290 रुपये के जी। क्या बात है जी, वाकई ये हकीकत है। देखने में आया कि लोकल मार्केट में अगर बाज़ार में मार्केट में देखा जाए तो इनकी प्राइस जो है 350 ही मांगते हैं, लेकिन इनके पास जो है ये नोवा कंपनी कह रहे हैं, नोवा कंपनी बताया जी आपने, नोवा कंपनी जो है ये आप यहाँ से आपको 6 पीसेस का जो सेट है ग्लास का वो 290 रुपये का, 270 रुपये के नोवा के ग्लास हैं, टोयो नासिक को अमराग के 290 रुपये के हैं जी। टोयो नासिक को जिनके जी, टोयो नासिक के जो कंपनी का वो जो मटेरियल सामान है इनके पास है वो यानी कि ग्लास के लिहाज से तो वो 290 रुपये के 6 पीस आपको मिलेंगे। तो मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो काफ़ी अच्छी यानी कि वैरायटी इनके पास अवेलेबल है। तो ग्लासों में थोड़ा सा गाइड कर दें, ये चैनक वगैरह लगी हुई हैं, ये कौन से कह लो कि एडवांस कौन सी वरायटी होती है ना टी सेट में जी, ये वो चीज़ें हैं जी जी, यानी कि एडवांस यानी कि कह लो कि ये न्यू वरायटी में ये चीज़ें अब आ रही हैं ठीक है। और उसके बाद ये सूप सेट आ जाएंगे नीचे जी जी, ये देखें ये बोल सेट हैं हाँ जी ठीक है। उसके बाद ये चिप्स होल्डर वगैरह हैं ये जी ठीक है ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ जाएं आप, ये मसाला बॉक्स हैं ये सारे चीनी में हैं ठीक है जी जी। उसको इनकी क्वालिटी के लिहाज से भी हमें थोड़ा सा मेंशन कर दें, हमारे व्यूवर्स को देखने वाले जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि इनकी क्वालिटी मेंटेन नहीं की आपने, मेंशन नहीं की, बताया नहीं है, ताकि इनके रेट भी थोड़े से मेंशन करते जाएं ताकि मिनिमम या मैक्सिमम रेट बता दें हम, कन्फर्म अगर नहीं बता सकते तो इनको इजाज़त नहीं है कि रेट बताने की, क्योंकि रेट जो है वो अपडेट होते रहते हैं। अगर रेट अपडेट हो जाए तो कल अगर कोई कस्टमर आता है तो रेट वो भी कन्फर्म रेट वो जो वीडियो में बताया गया
तो अगर वो उनको रेट पे ना मिले तो इनके लिए त्राज बनेगा और इनका जो है कस्टमर वो ख़राब होगा। तो इसलिए ये रेट को मेंशन नहीं कर रहे। तो बाकी ये कि दिखा रहे हैं वैरायटी इनकी क्वालिटी के लिहाज से बता रहे हैं, तो हमें ये थोड़ा सा मेंशन करते जाएँ कि मैक्सिमम इस रेट में मिल जाएंगे। ये जैसे सूट शर्ट लगे हुए ना मार्केट में आपको मिलेगा 9,500 का, ठीक है, ये आपको मिलेगा इधर 8,800 रुपये का, ठीक है। ये भी सूट सेट है, ये तकरीबन मार्केट में कम से कम आपको 8,500 रुपये का मिलेगा, 7,800 रुपये का मिलेगा, ठीक है। और ये चिप्स ऑर्डर है, इनका हमने कह लो कि 200 रेट है, मार्केट से हमने 150 का ही रखा हुआ है। जैसे ये मार्केट में आपको 1800 का मिलेगा, आपको इधर मिलेगा 1650 रुपये का। क्या बात है। उसके बाद और ये ऊपर आ रहे हैं बॉल सेट हैं, ये कह लो कि हमने इसमें मार्जिन दोन सा है, बिल्कुल ही मुकूल दोन सा मार्जिन है, 100 पीस इतना का मार्जिन हमने इसमें रखा, लोगों ने रखा था 300 से 400 रुपया, ठीक है। तो ऊपर देखने को मिल रहा है हमें कि ये अपना जूसर ब्लेंडर मशीनें भी हैं आपके पास है, ये कंपनी इनकी कैसी है और इनका मियार कैसा और इनकी क्वालिटी कैसी है? हमारे पास दो सी चीज़ें हैं, सारी एक नंबर हैं जी, ठीक है। लोगों ने रखी होती हैं, बीच में दो नंबर भी होती हैं, तीन नंबर भी होती हैं, पर हमारे पास दो सी चीज़ मिलेगी, एक नंबर मिलेगी, ए प्लस चीज़ है जी, ए प्लस होगी हमारे पास। क्या बात है जी, क्या बात है। आगे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जूम करके, इनके पास ये चैनक क्वालिटी इसको बोल सकते हैं जी, ये खाली चैनके हैं जी जी, ठीक है। इसमें चाय आप डालेंगे जल्दी ठंडी नहीं होती जी जी, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर आ जाते हैं जॉब सेट हैं जी जी, इसमें आप जैसे कि जिसको लिंको वगैरह रखना चाहते हैं, कुछ जैम वगैरह रखना चाहते हैं, कोई भी चीज़ रखना चाहते हैं, वो आप उतना में इसमें ख़राब नहीं होती, काफ़ी देर भी पड़ी नहीं जी जी, ठीक है। उसके बाद ये नीचे आ रहे हैं टी शर्ट, ये भी आप कह लो कि एडवांस वरायटी है जी, ठीक है जी जी, ये एडवांस वरायटी में है, ठीक है जी। और ये इनकी ये नीचे ट्रे लगी हुई है, ये भी चीनी में बनी हुई है, ठीक है। आम होती है ना जैसे ट्रे प्लास्टिक की होती है, इसकी ट्रे चीनी की बनी हुई है। अच्छा, इसकी ट्रे जो है वो चीनी की बनी हुई है, क्या बात है। हालांकि मोस्टली देखने में आया है कि प्लास्टिक की ट्रे लगी होती है, लेकिन ये जो सेट है टी सेट जो है, इसके जो ट्रे है वो भी चीनी की बनी हुई है। और इसका वेट कैसा है, लाइट वेट है या? इसका थोड़ा सा वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए होता है कि उसके ऊपर आना होता है वज़न जी जी, इसलिए इसका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा होता है जी जी, ठीक है। पर है ये सारी चीनी की। तो ये मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो जूम करके ये आप देख सकते हैं, बहुत ही टेबल टाइप अच्छी क्वालिटी में और बहुत ही इनके एक नायाब चीज़ है, तो काफ़ी अच्छी और म्यारी चीज़ है इनके पास और लाइट वेट में है। और जो इनका कहना है कि ट्रे जो है जिस पे कप वगैरह रखे जाते हैं वो ज़रा वज़न में है, बाकी जो चीज़ें इनकी वो कप और चैनक वगैरह वो लाइट वेट में है। तो इनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और रीज़नेबल प्राइस में है। तो इसके बाद दूसरी चीज़ देखी जाए तो वो भी इसी तरह सेम बनी हुई है, यानी कि डिज़ाइन थोड़ा सा मुख्तलिफ है, तो ऊपर जार वगैरह बने हुए हैं, साथ ही नमकदानी ये सॉल्ट पेपर जिसे बोलते हैं उसके लिए यूजिंग के लिए होती है ये, साथ ही अपना ये भी टी सेट में यानी कि मौजूद है। और इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अगर ये देख सकते हैं बिल्कुल लाइट वेट में और ग्लास में बना हुआ है, ठीक है ना जी, तो शीशे में ये है तो बिल्कुल लाइट वेट, कोई वेट नहीं है इसका। यानी कि कहने का मकसद है कि क्वालिटी ए प्लस है और वेट में भी यानी कि बिल्कुल लाइट है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि ये आम रेगुलर यूजिंग में ये प्लेट यूज़ होती हैं चावलों के लिए, तो ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी भी। अगर मेरा कैमरामैन जूम करके दिखा सके तो ये इसको क्या बोलेंगे जी, ये वाइन ग्लास है एक्रेलिक में, ये भी नई चीज़ आई है बिल्कुल, ये नीचे गिर भी जाएगा टूटेगा नहीं जी। अच्छा जी, ये ज़रा दिखाइए एक मरतबा जी जी, ये आप नीचे फेंक भी देंगे ना इसने टूटना नहीं है जी। ये वाइन ग्लास हैं, देख सकते हैं इनकी क्वालिटी जो है वो काफ़ी अच्छी है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके भी दिखा दिया है। अगर मैं प्रैक्टिकल करूं तो हो सकता है ये टूट जाए और मुझे इसका जुर्माना पे करना पड़े, तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं करूँगा। तो उनकी ये शॉप है वो बेहतर जानते हैं वो किस तरह करते हैं, लेकिन ये क्वालिटी के लिहाज से बहुत ही अच्छी है और ये वाइन ग्लास में आ जाती है। तो वाइन प्रैक्टिकल हो गया, ठीक है ना जी। तो जी जी ये इम्पोर्टेड है, ये मार्केट में जाएंगे आपको ये 2500 मांगेंगे, 3000 मांगेंगे आपको, 1850 रुपये में, 1950 रुपये में कह लो कि ये आपको बाजार से कम से कम भी 300-400 रुपये 500 रुपये रियायत मिलेगा जी। इनका कहना है कि हर चीज़ में रियायत होगी और लाजमी होगी, मिलेगी भी, जो चीज़ अपडेट हो जाएगी उसमें भी यानी कि कोई कंसेशन की जाएगी। तो ये इनका कहना है कि क्वालिटी इनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसके बाद ये बच्चों को ये बोतल वाटर यानी कि बोतल
हॉट एंड कूल स्टील की बोतल जी, इसमें पानी आप ठंडा भी रख सकते हैं, गर्म भी रख सकते हैं आप जी। क्या बात है जी। इसके साथ ही आप देख सकते हैं छोटी छोटी ये प्लेटें और ये कटोरियां वगैरह बनी हुई हैं, तो जो हमारे आम घरों में यूजिंग होती करने के लिए। सर आई थिंक इसे कहते हैं देसी प्याला, ये बहुत ज़्यादा लाइक किया जाता है जी जी। आम जैसे कि घर में जी जी ज़्यादातर खीर वगैरह कस्टर्ड हलवा ये चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ये लाइक किया जाता है जी जी। तो इस वजह से कस्टमर इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं हमारे पास ये, माशाल्लाह बहुत इसकी सेल काफ़ी अच्छी है जी जी। ये जैसे प्लेट है वो आप चूल्हे के ऊपर रख के भी गर्म कर सकते हैं। अच्छा जी, इतनी इसकी अच्छी क्वालिटी है जी। इनका कहना है कि आप इसको चूल्हे के ऊपर रख के चीज़ को गर्म कर सकते हैं, ठीक है ना जी। और इसके डिज़ाइन में इसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप देख सकते हैं। तो आपसे मेरा यही मशवरा है कि यहाँ का विज़िट जो है वो लाजमी करें, ताकि आपको ऐसी चीज़ें मिल सकें, नायाब चीज़ें मिल सकें, जो हमारी लोकल मार्केट में हमें चीज़ें नहीं मिलती, लेकिन हम लूटे जाते हैं, ठीक है ना जी। लोग हमें दुकानों वाले क्वालिटी का अच्छा बता के लूट लेते हैं, लेकिन घर जाने पर वो यूजिंग करने पर वो चीज़ वो हमें नहीं मिलती, जो इनके बतौर कहने पर जहाँ पर ये स्टोर है, ये क्या नाम है, एक दफ़ा ये मेगा मार्ट पे गाँव से भी कस्टमर आता है ना, पहले तो विज़िट करके जाते हैं इधर जी जी, ठीक है। फिर वो जब विज़िट कर लेते हैं फिर वो दोबारा आते हैं, वो कहते हैं भैया आपका वाकई ही रेट कम है जी जी। जितने भी स्टोरों पे जाते हैं उनका, जितने भी स्टोर शोहपुरा में बने हुए हैं ना, उनका रेट हमारे से बहुत अप है जी जी, ठीक है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे गाँव से रेट की वजह से कस्टमर सारे हमारी तरफ ना मूव हो रहे हैं। मतवजह क्या बात है जी। इनका कहना है कि जो रेट है हमारे काफ़ी रीज़नेबल है, हमारे पास कस्टमर सिर्फ रेट करके यानी कि रेट का देख के आते हैं कि रेट जो है क्वालिटी अच्छी होती है, इसलिए कस्टमर हमारे पास ही आते हैं जी। बहुत अच्छा। इसके बाद हम चलते हैं स्टेप टू की तरफ, ये देखते हैं कि इनके पास शीशे के गिलास हैं और ये जार वगैरह हैं और ये केक सेट जी जी, ठीक है। ये शीशे में नाश्ता सेट बना हुआ है जी जी। ये शीशे में ऊपर ये डोंगे वगैरह हैं जी जी, ठीक है। जग वगैरह हैं, बोल सेट वगैरह हैं। ये लूज में भी आपको जैसे होता है ना मार्केट में जाते हैं, ये छः प्लेटें ही मिलेंगी आपको, एक प्लेट भी मिल सकती है यहाँ से, एक प्लेट भी मिल सकती है। यानी कि वो उनका कहना होता है कि हमारा सेट जो है वो खराब हो गया बाद में आप जैसे आपको एक प्लेट भी चाहिए वो भी दस्तयाब है। अच्छा जी जी, तो क्या बात है जी। इनके पास एक चीज़ भी मिल जाएगी, यानी कि एक ये मार्केट की तरह नहीं है, लोकल मार्केट की तरह नहीं है कि नहीं जी बाजी हम एक नहीं छः देंगे, छः नहीं तो 12 देंगे, अगर एक आप परचेज़ करेंगे तो हमारा जो सेट है वो ख़राब हो जाएगा, इसे कोई परचेज़ नहीं करेगा, लिहाजा आपको ये 6 पीस ही खरीदने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे कोई डिमांड नहीं है, कोई यहाँ पे इस तरह की कोई बात नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पे एक पीस भी मिल सकता है। बहुत अच्छी बात है इनकी लगी और रीज़नेबल प्राइस में है। तो इसके बाद चलते हैं हम जग यानी कि पानी ये वाटर के लिए जग ये जग वगैरह लगे हुए हैं इनके पास, ये छोटी छोटी ट्रे लगी हुई हैं। तो ये ट्रे जो है ये काफ़ी नायाब है और काफ़ी अच्छी है, और वेट इसका ज़रा ज़्यादा क्योंकि ये शीशे में है। तो शीशे में है जी जी, जी। इसका शीशा हमेशा होता अच्छा है, यानी कि वज़न इसका ज़्यादा है पर ये चीज़ अच्छी होती है जी जी। शीशा ब्रीक भी होता है, उसका वज़न भी कम होता है पर वो चीज़ दो नंबर भी होती है जी, ठीक है। लेकिन क्वालिटी बहुत ही अच्छी इनके पास अवेलेबल है। तो चलिए, आपके पास प्लास्टिक के जग वगैरह मौजूद हैं, तो इनकी क्वालिटी कैसी है? क्वालिटी हमारी पहले भी आपको बताया कि क्वालिटी हमने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, क्योंकि चीज़ हल्की नहीं रखते हम जी जी, ठीक है। चीज़ अच्छी रखते हैं और दोनों सी कंपनियों की चीज़ें ना, जैसे हमारे पास ये अपोलो ये ब्रांड है जी जी, प्लास्टिक में अपोलो कंपनी का, ठीक है। आपको ये मार्केट में कहीं नहीं नज़र आएगा। अच्छा जी जी जी, तो ये कौन सा ब्रांड है? अपोलो। अपोलो, ये इनका कहना है कि मार्केट में ये नज़र नहीं आएगा, ये कंपनी नज़र नहीं आएगी। चीज़ें होती हैं सारे लोग दो से एक चीज़ आती है ना, जैसे इसकी नकल है वही उन्होंने सेल करनी होती है, एक नंबर चीज़ नहीं वो सेल करते। अच्छा जी, कहते हैं इसकी सेकंड कॉपी जो है वो सेल करने के लिए आती है मार्केट में, लेकिन ये फर्स्ट कापी इनके पास अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छी। हर किस्म का दोनों साहब को बाजार में जाकर नहीं मिलेगा, हमारे पास दस्तयाब है। अच्छा जी, यानी कि जो हाँ जी जी, हर किस्म का है, जैसे ठंडे गर्म जग चाहिए, क्रैलिक में चाहिए, प्लास्टिक में चाहिए, और ये फ्रिज की बोतलें हैं सारी नीचे लगी हुई हैं, फ्रिज की बोतलें हैं, हर किस्म की हमारे पास बोतलें हैं जी जी। क्या बात है, इनके पास हर यानी कि डिज़ाइन की बोतलें, फ्रिज वाली जो यूजिंग करते हैं आम रूटीन में हम घरों में। तो इसके बाद चलते हैं हम, ये थोड़ा सा ये बास्केट वगैरह हैं डस्टबिन के लिए, यानी कि ये
डस्टबिन है यहाँ पे, तो इनकी क्वालिटी थोड़ी सी मेंशन कर दें। क्वालिटी हमारे पास पुरानी प्लास्टिक कोई भी नहीं होती है। अच्छा जी, हमारे पास दो भी चीज़ होगी, नई प्लास्टिक भी होगी, पुरानी प्लास्टिक भी हम रखते नहीं है। जी जी ठीक है ना, कस्टमर को हम देते हैं, मांगते हैं कि कोई सस्ती चीज़ है, पर हमने रेट ही इतना मकूर रखा हुआ कि वो उसको समझ में आ जाती है, वो चीज़ ले जाती है। यानी कि कोई भी कस्टमर यहाँ से खाली नहीं जाता, कुछ ना कुछ ले के जाता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छा कि जो भी यहाँ पे इस मॉल पे इस शॉप पे आ जाता है तो वो कुछ ना कुछ परचेज़ करके जाता है, खाली हाथ नहीं जाता इनका कहना है। क्योंकि मेरा भी यही सोचना यही होगा कि क्योंकि इनकी जो प्राइस है वो काफ़ी रिजनेबल है, हर बंदे की समझ में आने वाली प्राइस है। ठीक है ना जी, उसकी तौर पर आपको लगेगा 10-20 रुपए महंगी है, पर हमारे पास वो चीज़ है, इसको फेंक भी देंगे ना ऐसे करके, इसलिए टूटना नहीं है। अच्छा जी जी जी, इन्होंने ये प्रैक्टिकल करके मैं भी ज़रा करूँ, टूटगी तो फिर नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा, मैंने बुरी नहीं फेंक दी। अच्छा जी, जैसे मर्जी आप छत के से भी जाके फेंकेंगे ना, तीसरी चौथी मंजिल से, कुछ नहीं होगा इसको। जी जी जी, ये देखा आपने प्रैक्टिकल इन्होंने करके दिखाया कि काफ़ी अच्छी प्लास्टिक है, हालांकि प्लास्टिक ऐसे टूट जाना चाहिए था, लेकिन उसकी क्वालिटी को अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी है, जिसकी वजह से वो टूट नहीं सकी। तो वाकई हकीकत में इन्होंने जो बताया वो दिखाया भी है। ठीक है ना जी, तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यहाँ का विज़िट जो है वो लाजमी करें, तो ताकि आप अच्छी और म्यारी चीज़ खरीद सकें। तो इसके बाद हमारे पास ये जग आ जाती हैं, कूल एंड हॉट, ये थर्मस हैं। जी जी ठीक है, इसमें भी हमने दो सी वरायटी रखी है ना, ये देखें। जी जी, अभी तो सीज़न अभी शुरू नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी हमारे पास माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वरायटी है। ठीक है, अब जब सीज़न आ जाएगा ये पूरा कह लो कि रैग थर्मस इधर लगे हैं। जी जी, जैसा कि इन्होंने बताया कि ये थर्मस में काफ़ी अच्छी वरायटी इनके पास है, तो सीज़न में और भी अच्छी वरायटी इनके पास आ जाएगी। जी जी, 4-piece में है, ये फैंसी भी हैं, जैसे जहेज में भी कोई चीज़ चाहिए ना वो भी चीज़ मौजूद है, जो सी आम रूटीन में चाहिए वो भी चीज़ हमारे पास मौजूद है। जी क्या बात है, इनका कहना है कि जहेज के लिए जो सामान दिया जाता है वो भी इनके पास अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो जहेज में देनी हो, जो मार्केट से नहीं मिल रही, वो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। तो इनके पास मैट की क्वालिटी देखी जाए तो मैट भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, तो ये भी रीज़नेबल प्राइस में होंगे, क्वालिटी के लिहाज से काफ़ी ये अच्छे हैं। तो नेक्स्ट हम दूसरी तरफ देखते हैं और इनके इनसे जानते हैं कि इनके पास और क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनकी क्वालिटी कैसी है। तो आपके पास ये कप लगी हुई, इनकी क्वालिटी ज़रा मेंशन कर दें। क्वालिटी इसमें हमारे पास बोन के भी हैं, स्टोन वेयर भी है, ठीक है, चीनी में भी है, हर किस्म के हैं हमारे पास। जी जी, जैसे घर में यूज़ करने हैं, ऑफिस में यूज़ करने हैं, जहाँ भी आपने यूज़ करने हैं, उस तरह की वरायटी हमारे पास मौजूद है। यानी कि जो जिसको जो चीज़ चाहिए वो अवेलेबल है यहाँ पे, यानी कि कोई भी कस्टमर यहाँ से वापस नहीं जाएगा, किसी को ये इतराज़ नहीं होगा कि आपके पास ये चीज़ नहीं है। अगर नहीं है तो वो इनको इनके मैनेजर से या ओनर से बात करके वो अबाय करवा सकता है या डिलीवरी करवा सकता है, किसी भी तरीके से इनका काम है उस चीज़ को लाना और आपका काम है उस चीज़ का वेट करने के बाद उसको परचेज़ कर लेना। जो चीज़ इनसे ना मिले वो आप इनको बता दें, ताकि ये आने वाले वक्त में नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ तक वो आपको चीज़ वो ला के दे सकते हैं। तो इसके बाद देखते हैं इनके पास और कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये मग से लगे हुए हैं। जी जी, मग हैं, सिंगल मग चाहिए आपको, 6-piece चाहिए, इसके अलावा भी हमारे पास वैरायटी और भी मौजूद है। जी जी ठीक है, जैसे ये अब सीज़न आ रहा है, सर्दियों में आएंगे आप, ये कह लो कि एक पूरा रैक मगों का होगा। जी जी ठीक है, या कप का होगा, जैसे कोई भी आपको चीज़ चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा वैरायटी आपको मिल जाएगी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कप के अलावा इनके पास वॉच भी हैं, बहुत अच्छी अच्छी हैं, क्लॉक हैं, तो इनकी भी उम्मीद है कि प्राइस जो है वो रीज़नेबल ही होगी। हमारे पास दोनों से क्लॉक होते हैं, कंपनियों के होते हैं, जैसे कैसियो के हैं, सोनिका के हैं, हर किस्म की कंपनी के हमारे पास क्लॉक है। अभी ये ना, अभी हम क्या नाम है, ये आज ही हमने ना डिस्प्ले कर रहे थे, ये आधे हुए हैं। जी जी, अभी ये मुकम्मल नहीं हुए, अभी ये हमने ना अभी लगाने हैं, सुबह तक वो भी इंशाल्लाह तो लग जाएंगे। जी, इनका कहना है ये कि क्वालिटी के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छे ये अपना ये वॉच है इनके पास, क्या बोलते हैं, क्लॉक। तो ये अभी डिस्प्ले में थोड़े से लगाए गए हैं, अभी वर्क जारी है इनका, लगा रहे हैं, अभी मेनटेन कर रहे हैं शॉप को। लिहाजा आपसे मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ का विज़िट जो है वो लाजमी आप करें, ताकि आपको रीज़नेबल प्राइस में अच्छी चीज़ मिल सके। आपके पास ये चीज़ें कौन सी लगी हुई हैं, ज़रा मेंटेन कर दें। सर ये घर में मतलब के डेकोरेशन के लिए पीसीज हैं इनके, ठीक है, ये मैक्सिमम मिनिमम प्राइस में लगी हुई है, कोई भी आम बंदा या परचेज आसानी से कर सकता है अपने घर को डेकोरेशन करने के लिए। अच्छा। ये हमारे पास इधर शेखपुरे में अवेलेबल हैं, और किसी के पास आई थिंक मुश्किल ही होंगी कि पूरे सिटी में किसी के पास हों, लेकिन हमारे पास ये चीज़ें अवेलेबल हैं और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में हैं। इनके मुख्तलिफ नाम हैं, तोपसराई, रेतली सराई,
और जैसा कि और हो जाता है एक उनका ही सुराही, मतलब कि तीन चार किस्म की हैं, तो इनको काफ़ी वैरायटीज का नाम दिया गया है। और ये घर में लगाएं आप तो काफ़ी अच्छी डेकोरेशन हो जाती है, इससे आने वाले जो मेहमान वगैरह हैं तो वो भी बहुत खुश होते हैं। जितने भी सुराहियाँ लगी हुई ना, ये ना देखें ये बड़ा साइज 700 से ज़्यादा किसी की कीमत नहीं है इसकी। इनकी जो 400 से 400 से शुरू होगी, 700 पे ख़त्म हो जाएगी जी। इसके ऊपर नहीं, हमने इतना मार्जिन रखा ही नहीं होगा जी। इनका कहना है कि ये जो सुराखियाँ लगी हुई हैं इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी यानी कि लो है, लेकिन रीज़नेबल प्राइस में है। ये 400 से स्टार्ट है, 700 पे एंड है, लेकिन अपडेटिंग पे चेंज भी हो सकते हैं रेट, लेकिन ये कंफर्म नहीं है, लागू नहीं है कि ये ही रहेंगे सारी ज़िंदगी। लेकिन ये अपडेट जैसा ही होगा तो इंशाल्लाह ताला का इनका कहना है कि ये जो है अपना रेट यानी कि अप डाउन हो सकते हैं। तो इसके बाद देखा जाए तो काफ़ी अच्छी डिज़ाइनिंग में इनके पास राखियाँ मौजूद हैं, और ये मिट्टी की बनी हुई हैं। नहीं, ये मिट्टी में नहीं बनती, ये बनती है क्या नाम है, प्लास्टिक पैरिस से। ये जब हम लेके आते हैं होते हैं ये नाजुक ही हैं, पर ये एक जगह पर रखते हैं इसको कुछ नहीं होता जी, जी, जी। इसको हम बड़ी हफाजत से लेके आते हैं और हफाजत से गाड़ी में रुकवाते हैं, कौन सा कस्टमर आता है ठीक है, उसको तसल्ली से उधर रखवाते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना बने, घर तक वो आराम से जाएं। बिल्कुल, बहुत यानी कि अच्छा लगा इनसे बात करके। उनका कहना है कि जो इनकी डिलीवरी जब हम करते हैं अपनी शॉप तक लेके आते हैं तो बड़े एहतियातन लेके आते हैं ताकि ये डैमेज ना हो जाए, टूट ना जाए, तो इनको बड़े एहतियातन तरीके से अपने घरों में भी यानी कि रखें जिसने ये परचेज़ करने हैं। तो ये काफ़ी नॉर्मल होते हैं, इनकी प्राइस जो है वो काफ़ी रीज़नेबल है, तो 400 से स्टार्ट है, 700 तक इनकी लास्ट प्राइस है। तो अपने घरों की खूबसूरती के लिए, अपने घरों को नयाब बनाने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल लाजमी करें। तो आपसे मेरी यही गुजारिश है कि यहाँ पे मैं बार बार एक ही बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आके लाजमी यहाँ का विज़िट लाजमी करें। तो अब तक दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट नई वीडियो में मिलेंगे। तो हमारे चैनल स्वीट गपशप को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू। आप हमारे व्यूवर्स को कुछ पैगाम देना चाहें? पैगाम यही है कि आप होता ना कि आपको रेट अक्सर मालूम में ज़्यादा नज़र आता है जी, बेशक आप रेट हमारा इधर आके एक बार टच करें ठीक है, तो जब आपको रेट का पता लगे इंशाल्लाह दोबारा आप इधर ही आएंगे, आप कहीं नहीं जाएंगे ठीक है। तो आपको ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यही है कि आप कि नाम है इधर पहले विज़िट करें जी, आएँ अपना कौन सा सामान लेना, और कल को कुछ चीज़ आपने चेंज करनी है जो वापस करनी है वो हमारी 25 माल में वो घूमना करें। अच्छा जी, वापसी भी हो जाएगी, पैसे मिल जाएंगे उसमें? हाँ जी, पैसे पहले पैसे देंगे, पहले सुनत पूरी करें, पहले पैसे देंगे, उसके बाद पूछेंगे कुछ चीज़ लेनी है ठीक है, वो आपके पैसे। क्या बात है जी, इनका एक और यानी कि शॉप का फ़ायदा, एक और इन्होंने नई बात की है कि जो यानी कि चीज़ नहीं पसंद आपको वो आप वापस दे सकते हैं और उसके पैसे वापस ले सकते हैं। अक्सरियत में देखा जाता है कि जो दुकानदार होते हैं वो चीज़ के मतबादल ही चीज़ को यानी कि चेंज करते हैं, यानी कि पैसे नहीं देते, लेकिन यहाँ पे आपको इस शॉप में इस मॉल में तो आपको पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और सुन्नत नबवी के मतलब इन्होंने बात की है, तो बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अब तक चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़ जी। आप देख सकते हैं ये इस मॉल का स्टाफ है, तो इन्होंने हमारे साथ बहुत ही कॉपरेट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से तावन किया हमारे साथ, और उम्मीद है कि हर कस्टमर के साथ ये अच्छा ही तावन करते होंगे। तो इनसे करते हैं बात, तो पूछते हैं क्या वाकई ये इतना ज़्यादा हर बंदे से, हर कस्टमर से ये तावन करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आप जैसा आपने हमारे साथ कॉपरेट किया, क्या हर कस्टमर के साथ इसी तरह करते जी? हैं जी सर, इसी तरह के साथ हर कस्टमर के साथ इसी तरह कॉपरेट किया जाता है, चाहे कोई वही गाड़ी वाला, चाहे कोई साइकिल वाला, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, हमारे लिए हमारा कस्टमर ही सबसे बड़ी बात है। क्या बात है जी, बहुत ही अच्छा लगा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? हैदर। हैदर, हैदर भाई आप ये बताइए कि आप भी इसी तरह कॉपरेट करते हैं या थोड़ा सा लहजा आपका चेंज होता है? नहीं नहीं, यही लहजा था, बहुत प्यार के साथ हर एक कस्टमर के साथ बात करते हैं, उसको चीज़ जो नहीं मिल रही होती वो हम जाके खुद उनको ढूंढ के देते हैं जी जी। और बहुत आराम से उनको। और हमारे व्यूअर्स को, देखने वालों को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ पर विजिट करें और शॉपिंग करने के लिए आए, और आपको पता लगेगा कि ये कैसा स्टोर है जी, कैसे जी। बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। नेक्स्ट, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। आपका नाम? दुलकरनैन। दुलकरनैन, बहुत ही अच्छा और खूबसूरत नाम है आपका माशाल्लाह से। तो आपका लहजा कस्टमर के साथ कैसा जी? बिल्कुल अच्छा, यानी कि कोई रवैया चेंज तो नहीं करते, कोई कस्टमर तंग करता हो? नहीं बिल्कुल,
सही है। अच्छा जी, जी इनका भी कहना है कि कस्टमर के साथ कोई बदतमीजी नहीं है, कोई किसी किस्म की भी कंप्लेन नहीं है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही अच्छे लहजे से हम बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। जी आपका नाम? अदील अहमद। अदील अहमद, अदील अहमद, आपने हमारी वीडियो के दौरान काफ़ी शरारतें भी की हैं माशाल्लाह, ये बड़े शरारती भाई हैं। और ये मैं स्पेशली एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दौरान वीडियो जब ये रिकॉर्ड की जा रही थी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा शरारतें की हैं, तो आपके अंदर ये शरारतें कहाँ से आई? बचपन से। बचपन से ही? जी हाँ। ये मारने की पड़ी कभी आप? एक हद तक होता है जब कोई बड़ा रोक दे तो हम रुक जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं अपनी शरारतों को, लेकिन आप तो कंटिन्यू रखे हुए थे। सॉरी? नहीं सॉरी की बात नहीं है, लेकिन ये हाँ ठीक है, एक लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं लास्ट पे? लास्ट पे यहाँ ना आप शॉपिंग करें, ठीक है ना, आपको जो चीज़ नहीं मिल रही बारिश से जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है ना, जो आपको नहीं मिल रहा पूरे बाज़ार से आप इधर से आन के चेक करें, इंशाल्लाह आपको चीज़ मिलेगी। जिस मॉल का नाम मेंटेन करते हैं जरा? इनका नाम महंगा मॉल है, ठीक है ना, ये शेखपुरा गया है, सरगोधा रोड पे ऊपर है, ठीक है, बाकी ठीक है मौजूद है। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, नेक्स्ट चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये आपका नाम? अवैस अली। अवैस अली, अवैस भाई आप हमें ये बताएं कि आपका लहजा जो है वो कस्टमर के साथ कैसा है? लहजा हमारा कस्टमर के साथ बिल्कुल बेस्ट है, कस्टमर के साथ हम इज्जत से बात करते हैं, प्यार से करते हैं, उनसे कोई चीज़ अगर नहीं मिल रही तो हम ढूंढ के देते हैं, चाहे वो जितना मर्जी तंग करें, लेकिन उनके साथ कभी हमारा लहजा सख्त नहीं हुआ। अच्छा, तो अगर कोई कस्टमर कोई ऐसा आ जाता है जो आपको तंग कर रहा हो तो उसके साथ क्या लहजा होता है आपका? उसके साथ भी नरम लहजे में बात करने, क्योंकि हमारा कस्टमर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए हम सर्व करते हैं यहाँ पे। जी बहुत ही अच्छा लगा इनसे बात करके और इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, इसके बाद हम चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र ठीक। आपका नाम? सैयद ज़हीर गुलजार। समझ नहीं लगी। सैयद ज़हीर गुलजार। माशाल्लाह ज़हीर गुलजार। तो अच्छा आप हमें ये बताएं कि आपका काम क्या है यहाँ पे? सर हमारा कैशियर का काम है, हम चीज़ें स्कैन करते हैं, उसके बाद पेमेंट लेते हैं और उनके जो है कस्टमर। कभी गलती होगी हो? सर गलती इंसान से हो जाती है। उसका जुर्माना भी पे किया हो? जी सर। ये पनिश होती है, मुर्गा वगैरह बनना पड़ता है? नहीं सर ऐसा कोई बात अच्छा कभी ये ना सर ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा जी, अगर हो जाए तो? हो जाए तो फिर की तलबगार होंगे या मुर्गा वगैरह बनेंगे? दरगुजर कर देते हैं। जी सर ये तो ऑनर पे डिपेंड करता है, उन लोग क्या करते हैं, कैसे आपके साथ बिहेवियर है उनका। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे व्यूवर्स को लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? व्यूवर्स को यही मैसेज देना चाहते हैं कि यहाँ का रेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, आप आएँ फॉलो करें, और हम यही करना चाहेंगे कि भाई के जो चैनल को जो है ना लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें लाजमी। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। तो अब तक कहेंगे इजाज़त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें, और सल्यूट है इनको जो इस शॉप पे अपना वर्क कर रहे हैं बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही ईमानदारी से। तो बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके, अल्लाह हाफिज़। देख सकते हैं इनका जो फ्रंट व्यू है, ठीक है ना जी, बहुत ही अच्छे से है और बहुत ही इन्होंने मेंटेन अच्छे से किया हुआ है। तो स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी अलर्ट किया हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड को अलर्ट किया हुआ है ताकि कोई भी चोरी शिकारी या कोई ऐसा मसला मसाइल या कोई भी हंगामी मसला हो तो ये गाइड करेंगे। तो इसके साथ ही चलें तो हम देख सकते हैं कि पार्किंग की यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ परचेजिंग के लिए आते हैं। तो काफ़ी अच्छे से ये शॉप जो है, इनका जो मटेरियल है और इनका जो रेट है वो काफ़ी अच्छा और काफ़ी म्यारी रेट है, म्यारी चीज़ें हैं इनके पास पार्किंग के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी अच्छी पार्किंग है, काफ़ी बड़ी पार्किंग है। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा यानी कि यहाँ पे कार वगैरह बाइक वगैरह यानी कि खड़ी हो सकती हैं, तो आप देख सकते हैं तो काफ़ी ज़्यादा यानी कि जगह है इनके पास पार्किंग के लिए। तो मेरा आपसे यही मशवरा है कि यहाँ का विज़िट लाजमी करें। तो ये इसका फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट व्यू आप देख सकते हैं इसके साथ ही। तो ये बिल्कुल चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास है, सरगोधा रोड बाईपास, ठीक है जी, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ का विज़िट जो है वो लाजमी करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।